पेंशन मिल गई, पेंशन के पैसा से पई 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 पापे पो पो पी पो पई पई, पेंशन मिल गई, पेंशन मिल गई पापे पापे पे पे। अभी ले बाहरन दुआरे पे रखल बा। हे लक्ष्मी जी माफ करिए, लक्ष्मी जी माफ करिए, बतावा ये दुआरे पे बाहरन बा तो ये लक्ष्मी जी अंदर कैसे जाइए? पूजा, अरे ये पूजवा, अरे बाहरे से बर्तन लिया का रे? बाऊ जी बर्तन पुरान कपड़ा और औरत के बाल से लिहल जाला, ये घर के बाहरन से ना। ऊ तो हमहू के बता के ना लिया ला, लेकिन का यहाँ सजावट के लिए रखल बा? बाऊ जी भाभी की नैहर गईला के बाद घर के कुल काम हमरा और माई के ही करे के पड़ेला, ओही चक्कर में भुला गेल रहनी है, हम अभी फेंक देता नहीं। हाँ, फेंका जाके बिना मतलब लक्ष्मी ऐसे ही है, है? जो बतावा ये सूरज कपारे पे चढ़ गेल बा, अब इन लोग सुतल बा, अब इन कुछ खा ला। जय राम जी के पोस्ट मास्टर बाबू। अरे तू अरे पहले हाथ मुंह तो धो लिया अपन। कुछ ले बनाना? अरे महाराज जब चिट्ठी के जमाना रहे तो रउआ चिट्ठी के बदले कुछ लेत रही का? ठीक बा ठीक बा, बहुत अच्छा, आवा ला चलावा। आज एहर कैसे भुला गेला? बैठे के टाइम नहीं के हमरा लगे। अरे महीना के अंत बा, तगादा करे आयल बानी। अभी तो तू कहला कुछ हमारा से लेबे ना करबा। कल चलावे के बदले कुछ ना मांगा तानी, अपन पैसा मांग रहल बानी। इतना सटीक टाइम पर आयल बा, लगाता हमारे पिछवा जासूस लगोले बा का? कैसे का सोचे लगनी? ढेर नहीं थे, 1523 रुपया था बा। का? एक महीना का राशन 1523 रुपया? अरे पूजा, यहाँ 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 यहाँ। अरे बाप रे बाप, एक महीना का राशन 1523 रुपया? बाबूजी, नमक तेल सरफ साबुन ये कुल आयल हुई, अब इनकरा दुकान पे रस मलाई तो मिले लाना, जो हम रास्ता में खा ले लो खब। हाँ जा जा जा, बिना मतलब जा, बतावा। लगा तब बहरी निकाल के गिन लिया हम, तो हम चपट्टा मार के भाग जाए। लाई ये तो खाली 1000 रुपया बा, अब 523 रुपया? अरे ले लिया, हम कवन तो हर 523 रुपया लेके राजा बन जाब, राजा ना बन जाब, आज के दिन आ जाइए। अगला महीना 523 रुपया दे दिया। हाँ हाँ हाँ, जा जा। राम कुमार महेश, सब ठीक था ना? ठीक ना बा, 3000 रुपया हमार दे दा काट पीट के, तब ठीक रही। और हमरे पटवन के 2000 रुपया। ठीक बा, जा अगले, हाँ अगले सप्ताह मिले भाई है। अरे एक सप्ताह तक पेंशन के पैसा रुक रही। अच्छा तो तू उन लोगों ने फोकस के कैल बढ़ा है? नहीं नहीं, पैसा हमने के अब चाहिए। बतावा है, खेती में पैसा खर्च होता 16 आना और आमदनी मिलता 4 आना। खेत में धान गेहूँ होता ना, ऊपर से 1 किलो जाता। कहा बात है, हालात तो 3000 रुपया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हला 2000 जा, बतावा पेंशन का पैसा जोन है घर के चौखट के अंदर पहुंचबे ना कैल और उते खत्म हो गए, और ई इंजीनियरिंग के लाड साहब पड़ल हवा सुतल हवा जोन। माई हो, जल्दी से हमारा खाना था, भूख लागल बा और दुकान खोले में लेट होता। पूजा अपने भैया के चोखा बना के देता, ओकरा के देरी होता। भैया चोखा के बदले हमके 100 रुपए चाहिए, हमरा एगो किताब लेवे के बा। अरे तोर बाबूजी गइल पड़े ना पेंशन के पैसा लेवे खातिर, आवेदन करा के दिया दे। अरे पूजा का माई, अब पेंशन का चिंता छोड़ दा लोगन, काहे से के बाबूजी पेंशन का कुल पैसा देके कर्जदारन के खुदा बाबा बन गइल बाड़े, और वो कुल हमारे पेंशन पे निगाह लगा के बैठल बाड़े, कब पेंशन आवे और चट से हमनी के उड़ा देवल जाए। बाबूजी एमे कौन सा बात भाईल, अरे कर्जे ले ले बाड़ा ना, फालतू का खर्चा तो कहले ना बाड़ा, तो कहाँ है के टेंशन लेता नहीं। अरे बाबूजी, अरे पूजा ला तू 100 रुपया किताब खरीद लिया। बाबूजी टेंशन छोड़ी, खाई ले 200 रुपया उपान के दुकाने के कमाई। यहाँ बैठा? हाँ बैठे तानी। 6000 रुपया हमार पेंशन और 200 रुपया रोज तुम्हार पान के दुकान का कमाई, ये हमारे खर्च कैसे चली? संतोषम परम सुखम बाबूजी। हाँ
संतोषम परम सुखम। यह बात कहके बने एक दुकान से राशन ले आइया और घर का खर्चा चले आइया। मन कर अपन मत इसी, बहुत मजा आता है। ए माई, हमार ललका बुसटवा के एगो बटन टूट गए रे, ओकरा के सील दे लू का? अरे खाना पानी में ही दोपहरिया हो जाता बबुआ, ना ही लगा पाऊनी। हां भौजी रहती तभी तक एगो बटन का सारा बटन के सिलाई करके दुरुस्त कर दल रहती। कुछ भी काम आई भौजी घर के रीढ़ के हड्डी बाड़ी, उनकरा गैला से पूरा घर के ढांचा बिगड़ गेल बा, अब हमसे बर्दाश्त ना होता। ते काम कर, ले अपने भौजी के। हाँ, ले अपने भौजी के, अब पैसा उनका मौसी दी है, 1000 रुपया गाड़ी के किराया लग जाई, और इनकर ससुर यानी हमार सबदी एक नंबर का कंजूस बना है, 2 रुपया रखबो ना करता है। अरे रउआ आपकी देखब, हमार पे तो ये कितना सामान लेकर आई। ए बाबूजी निकाली 200 रुपया, निकाली 200 रुपया कहे? अरे पेट्रोल खातिर, अपना दोस्त के बाइक ले, ओकरा हम पेट्रोल डालब, अब भौजी के वो बाइक पे बिठाई भाई घर में लेके आ जाई। हाँ। निकाली, अब का सोचता नहीं, निकाली 200 रुपया। ला एक दो। हाँ जा निकला। हाँ जा। अजीब बात बा, कौनो हमारे जेबवा पे नजर लगो ले बा, जैसे कौनो रुपये हुए 1 घंटा से ज्यादा ना टिकत है के। बाबूजी ओमे नेबू मिर्चा रखने का। हाँ चुप पड़ बा, जाके दुकान खोल, है खनवा खा के जाई। हाँ जी बाबूजी। पंद्रह चौके साठ पंद्रह पचे पचहत्तर पंद्रह छके नब्बे। अमन इधर आओ। हाँ। आगे का पढ़ावा हम आवत आने। अरे तू एजा कहाँ घूम रहल बाड़ू, पढ़ाई के नहीं खिका का भइल? तू दास काहे लग रहल बाड़ू? का बताई ममता, जब से शादी भइल बा जिंदगी एकदम नरक बन गइल बा। पर तू तो खुश रहलू ना? ससुराल के सपना तो गुलाब के फूल जैसन होला, जे दूर से तो बहुते अच्छा लगेला, लेकिन लगे गइला के बाद उहे गुलाब की टहनी में लागल काटा जिंदगी भर चुभेला। समाज के बनावली रीति रिवाज औरत जात के ही काहे भुगते के पड़ेला, मरद जात के काहे ना। तू ये सब का बात बोल रहल बाड़ू? हाँ तू आपन ससुराल में खुश नहीं हुका? हमार गरीब माए बाबूजी कर्जा लेके खेत गिरवी रख के हमके पढ़ौले लिखौले, जेकरी वजह से हमके ये नौकरी मिलल, और अगर बिहाई के बाद हम कुछ पैसा देके उन लोगन के कर्जा और खेत छुड़वाए की कोशिश करत आ रही तो हमारे ससुराल वाले हमके बहुत ताना मारे ले। अरे ई का बात बा, तोहार नौकरी तोहार पैसा ए पर उनकर का अधिकार है? ई नौकरी के वजह से तो उन लोग हमसे शादी कर ले। तोहार पति तो दिन भर शराब और जुआ के नशे में चूर रह ले और हमरे वेतन के इंतजार करे ले। तू ये सब का सहरल बाड़ू? अरे तू आज की लड़की हो, ऐसे लोगन के खिलाफ आवाज उठावा ना कि ये सब जुल्म सहा। ममता हम चाहे कुछ कर ले, लेकिन उन लोगन के ऊपर कोनो फर्क पड़े वाला नहीं खे। कुछ करब हम, ठीक है, चिंता मत करा। चला अरे जीजा जी, माई बाबू बहरे आई, जीजा जी आइल बाड़े। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे गवाहिया आइल बाड़े। और जीजा जी न फोन न मैसेज, डायरेक्ट आगे नी। अरे वीर बाबू गोड़ लगतन बाबू जी, खुश राजिया बेटा, गोड़ लगतन माजी जुग जिया। अरे सुमन बेटा जा जल्दी से पानी वानी ले आवा, खड़ा खड़ा काम हो देखत हूं। जा। हम ना चाहिए रउवा लोगन के गोड़ छुअलन, प्रणाम कैलन और हमारा नमस्ते के जवाबो ना देलन। अच्छा ठीक बा, नमस्ते साली जी ईली। हाँ साली के सामने नवाबी ना चली। बैठा पानी लेके आवत आनी। आओ बेटा आओ बैठा, आओ बैठा जी। और सुनावा घर में सब कुशल मंगल बा ना?
हाँ हाँ सब बढ़िया हाँ। अब हमारे संभी और गोवर्धन बाबू के का हाल चाल बा? सब ठीक है बा, बाकी उनका अदब तो जानते बानी, अपना पेंशन, भैया के पान के गल्ला, हमार नौकरी के चक्कर में पड़ल है। तू टेंशन मत ला, तो आर नौकरी आज ना तो कल लगबे करी। हाँ। बस तू लागल रहा। ला पानी पिया। भौजी नहीं खी दिखात बाड़ी काहे हम दाना पानी ना दे रहल बानी का? अरे ऐसा कोनो जी औते दीदी के बारे में पूछा तारा। हाँ वो दरअसल आजे भौजी के घरे लेके जाए के बा। आज दीदिया हमार ना जाई हन। काहे आज दिन खराब बाकी ना चत्तर? आज रुका काल जाई है, आज दिशा शूल है। ठीक बा, लेकिन भौजी बाड़ी कहाँ? गईल है गोबर पाथे। अच्छा। सुमन जा अपन दीदी के बुला के ले आवा, कह दे बीर बाबू आयल बाटे, जा जो जल्दी जो। अच्छा जीजा जी, पानी पिया, हम दीदी के लेके आ रहल बानी, जल्दी लेके आओ। सीमा बेटिया तोरे ससुरारी में के बा? अरे चाची हमारा ससुरा में तो पूरा हंसत खिलत परिवार बा, सास ससुर ननद देवर सब है बा। तोहार सास ससुर मान सम्मान तो करे ले ना? हाँ चाची, हमारा ससुराल में नू सभे सज्जन लोग बा, हमार सास हमार ससुर हमरा के नू बेटी खानी मानी ले लोगी, और हमार ऊ बानी ना ऊ हमार सब बात मानी ले, और हमार ननद पूजा ऊ तो हमार सुमनी खानी एकदम छोट बहिन बानी, और जौन हमार देवर जी बानी नो वो हमरा घर के कृष्ण कन्हैया है। तू बड़ा भाग्य वाली वाड़ू जौन तोहरा के ऐसा ससुराल मिलल बा, हमहू अपने बिटिया खातिर ऐसे घर परिवार खोज रहल बानी ताकि जहाँ जाए ऐसे ही खुश रहे। अरे उनकर ब्याह तो हो जाए, सरकारी नौकरी करे वाला लोग के ब्याह तो झट से हो जाला। अरे वो सब तो ठीक बा, घर परिवार में मान सम्मान करे वाला भी तो लोग चाहिए ना, जैसे तोहरे ससुराल में बा। हाँ ये तो बात बा। दीदी दीदी जीजा जी आयल बड़े। उहो काल बनी का? अरे नहीं दीदी, वी जीजा जी आयल बनी। अच्छा चाची हमर देवर जी आयल बनी। अच्छा सीमा, तोहार देवर पहली बारी घरे आयल बाड़े ना? हाँ। तोहरे मुहे से उनकरा बारे में बहुत बखान सुनले बानी, चल आज देख भी लेत बानी। हाँ चाची चल 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 चल। हाँ। अरे बाबूजी का बताई, शहर में जाके पढ़ाई से कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन एक नुकसान जरूर होला। उका बेटा ये कि जौन रीति रिवाज संस्कार अपना गांव में होला उस शहर में नहीं खे, शहर में सब मॉडर्न हो गए बा, वहाँ के पहनावा ओढ़ावा बोली चाली संस्कार कूल अंग्रेजी, ये तो बहुत बुरा होता। हाँ। इला सुमन आ गई। अरे भौजी गुड़ लगा था नहीं भौजी। खुश रहे खुश रहे। और घर के समाचार बताई, बाबूजी अमा जी ठीक बानी ना? अरे सब ठीक बाड़न, जेकर हाल चाल पूछे के ओकरा बारे में तो पूछ लू ना। वहाँ के बारे में हम कैसे पूछी रहे बता दी। अरे भैया के हाल तो ऐसा बा जैसे बरखा बिन पपिया। सुमन तोहार जीजा जी ता तोहार दीदी के पाके तोहरा के तो भुलाइए गईलन। ए तोहार जीजा जी तो बहुत सुंदर बा, काश इनका से हमर ब्याह हो जाए ता गंगा नहा लेती। चुप रहा तू लोगन, वो हमार जीजा जी हवन, उन पे सबसे पहला हक ना हमार बा। अच्छा ठीक बा, आपन जीजा जी से तनी हम होके मिला दा। अच्छा ठीक बा। अरे दीदी तू देवर भौजाई के मिलन हो गेल की ना? देखा हमार सहेली लोग आयल बड़ी जीजा जी से मिले खातिर। अरे तो देखा लोगिन, हमार देवर जी घूंघट कोई थोड़ा कर ले बनी, जितना देखा के पा उतना देखा लोगिन। अरे भौजी कहाँ जा तू? जीजा जी कैसन बानी? हम ठीक बानी। बड़ा पढ़ाई सुन ले बानी दीदिया से, वीर बहादुर का बहादुरी दिखावे ला। अरे अरे हटा घेरा जिन तू लोग, ऐसा लगा था की जैसे मने ही देख लेना बाड़ू तू लोग। मने तो बहुत ही देख ले बानी, बाकी जीजा जी के पहली बार देख ले बानी। हाँ ठीक बात, देखिया आज रुकियन जीजा जी काल जई है। तो जीजा जी के खातिर काका बनाइबू? अरे हम अपन जीजा जी खातिर खीर पूड़ी सब्जी आज कुल बनाई। तू लोग भी खा के जी। हाँ तो बड़ा मजा आये। आलो रगी रे झर झर, अरे बटिया जोहेला दिन रात ए बलम जी। अरे रउआ गाना वाना गायब छोड़ी, सुनी सीमा का देवर आइल बा। तो का कर जाके आरती उतरी का? ही परी तो आवते रहले, आइल होई विदाई उदाई करावे। ए जी चली ना चल के देखल जाए, सुनले बानी की सीमा का देवर बहुत सुंदर बा, और सीमा ना अपने देवर के साथे साथे अपने ससुराल वाले का बड़ा बखान करे लीन। ए जी अगर लड़का पसंद आ जाए ना तो अपने बिटिया के ब्याह के बारे में बात कहल जा सकेला। गांव में जौन भी देवर अखोर बखोर आवो तरे सो, तू लागत तेरी बेटी के रिश्ता देखे तो एगो बात सुन लो,
हमार बेटी सरकारी स्कूल में मास्टराइन है, हैं? लड़का का करेला? इंजीनियर का पढ़ाई कैले हैं। पढ़ाई नु करेला, इंजीनियर ना नु हो? अरे आज न तकाल हो जाई ना, लेकिन लड़का तो होनहार बा। अच्छा, पूरा पता का कैले बड़ू है? अरे वाह, एगो बात सुन लो, हम अपना बिटिया खातिर एकदम सरकारी दमाद खोजतनी, एकदम सरकारी दमाद, एकदम टू टंच, सरकारी दमाद। रुकी, ममता चल जल्दी से हाथ मुंह धो के कपड़ा बदल ला, हमने की चले के बा। कहाँ चले के बा? बताओ। अरे रुआ चुप रही ना। हम तो चुप। सीमा के घरे। सीमा के घर काहे, कौन पूजा पाठ बा का? अरे बेटा ओकर देवर आयल बा ना, यही से देखे के जाए के बा। अरे बाबूजी जरा समझावा इनकरा के। अरे अरे तू चला, बाबूजी के छोड़ा, हम तोरा के समझाता नहीं। ई ले जीजा जी। आराध्या, बिना और तेज चलावा ना, देखा तारू जीजा जी के गर्मी लग रहल बा। रहल बानी का हो जीजा, हवा लागत बा कि ना? हां लग रहल बा, लेकिन अब रहदा हो गई। काहे जीजा जी के सेवा ना करब तो के कर करब? देख लियो आके, बहुत सेवा हो गई, अब छोड़ दा हो गई। अरे का तू लोग अपने जीजा जी के परेशान कैले बाड़ू? हां अरे उनके भूख लागल होई, खाना वाना खियाइबू कि ना खियाइबू? माई जीजा पहली बेर अपन घरे आइल बाड़न, आज इनकर ऐसन आओ भगत कल जाई कि हरिपुर रोज रोज आईहन। कहे जीजा जी आईब ना? हाँ आईब आईब ना। सीमा कमाई का हो रहल बा? अरे देखी ना दीदी, एकदम पाहुन के सब परेशान कर देले बाड़ी। अरे वाह, जैसे सोचले रहनी उससे ज्यादा सुंदर बाड़े। अरे सीमा बिटिया तोहार देवर ते एकदम हीरो नियन बाड़े। सुमन यहाँ वा, ममता के ना अपने जीजा जी से मिला था। ठीक बा, ठीक बा, चला ममता। हाँ चाची बैठ। ये हवन हमार जीजा वीर बहादुर। अच्छा का करेलन तोहार जीजा वीर बहादुर? तू ही पूछला। नमस्ते वीर बहादुर जीजा जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ इतना धीरे देखा ना तोहार जीजा जी में ता जान ही नहीं खे। जा जा खाना लेके आवा। अरे रुका हा? एक काम करता नहीं, हम ही तोहरा के खिला दे। ना ना काम आए। अरे सूखा सूखा खाली खियाइबे करबू या गारी भी परसबू? अरे ये तो बहुत सही बात बा, रुका। Oh,
ए जी एगो बात कही, सीमा का देवर ना बड़ा नीमन सुशील लइका बा। ममता और वीर का जोड़ी जैसे राम सीता का जोड़ी। रउआ कही ना, रउआ का कार आए बा। लइका तो ठीके ठाक बा, खानदानो ठीके होई। हाँ। दिक्कत ये बा कि लइका बेरोजगार बा, अपन बेटी सरकारी नौकरी में, कैसे हुई बताओ। अरे तैयारी तो करा था ना, और नौकरी आज न तकाल मिली जाई। हम तो बस इतना चाहत बानी कि हमार बेटी जहाँ जाए हमेशा खुश रहे। भगवान करस ऐसे ही होके। अरे हम तो सीमा से सब कुछ पूछ चुकल बानी, उ तो अपना देवर का बड़ा तारीफ करे लिन। रउआ कही तो काल सवेरे जाके बात कर ली। चलाओ बात चलाओ, जौन हुई तुम देखल जाई। लगा था कि नदिया सागर को ले जाए बाजारे भाई। ए मेरे रोए वाला का बात बा, ये तो खुशी की बात है। अब तू ही बताबा, भौजी तो अपना घरे जा रहा बाड़ी, वैसे भी मकरही और हरिपुर में दूरी है कितना बा, जब कहीं को याद आई वापस आ जाएंगे। तू का जन भाई सब। रो मत बिटिया, हम आए ना तोरा से मिले। तू मत रोवा, फोन करत रही है, ठीक बा जी। चुप रह जा। अपन ख्याल रखिया, खुश रहा बेटा। दीदी खुश रहा। बबुआ बाबू रुका, खुश रहा बेटा। बाबू हाय रखला, सब के का जरूरत बा। अरे राहे में मिठाई ले लिया, रखला रखला रखला। अरे संभाल के जइया। हाँ हाँ ध्यान से। सीमा जी चाची, जौन बात कहले है ना याद रखिया, और राहे में ममता के स्कूल मिले उनकरा से मिल लिया। ठीक बा बाबू। हाला अरे ये सब के का जरूरत है। अरे रख ले मिठाई खा लिया। ठीक बा बाबू जी, चलो तनिया। अरे पहुंच के फोन करिया। अरे फोन ना वीडियो कॉल कर दे, खुश चिंता मत कर, चला। ठीक बा चलो तनिया, संभाल के जइया। अरे का भौजी अब ले रो रहल बाड़ू, अरे हम तोके जंगल में लेके नहीं जा रहल बानी, वैसे भैया से मिले के तो मन में लड्डू फूट रहे। देवर जी बाबू अब ममता के स्कूल आगल गड़िया रोक ली, चाची कर लिया मिल के जाए के। ए शरारत मत करो, चलो सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। ए, उतरी ए ध्यान से पढ़ो। अरे नमस्ते दीदी, जा रहल बाड़ू का। हाँ ममता जाता नहीं, एगो लड़की के अपना जीवन में दू गो जन्म लेवे के पड़ेला, एगो नैहर जहाँ माए बाबूजी के साथ बचपन बीतेला, और एगो ससुराल जहाँ पति सास ससुर के साथ ओकर पूरा जिंदगी बीतेला। अरे ये तो परंपरा है भौजी, सब केहू निभावेलन। अच्छा तो वीर बहादुर जी तू निभा सकेला का? काहे ना बिल्कुल, जब आपके जैसन लड़की नौकरी बिजनेस करके घर भी संभाल सकेली तो लड़का काहे ना। आज के समय में लड़की लड़का से कंधा मिला के चल रहल बाड़ी, ही लड़का लड़की के फर्क तो समाज बना के रख लेबा। अरे वाह वीर बहादुर जी। दीदी तोहार देवर की सोच तो बहुत बढ़िया बा। एहे गनिया हमरा घर का लाडला बने का, बस इहे को नौकरी खातिर भगवान से प्रार्थना बा। अरे चिंता मत करा, इनकर सोच बहुत अच्छी है, नौकरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। अच्छा ममता हम चला तानी, तू ठीक से रहिया और लड़का लोग को पढ़ावा। ठीक बा चल, अपन ख्याल रखिये। हाँ दीदी तू ठीक से रहिया। नमस्ते वीर बहादुर जी। जी का भाई आज भी खाना न खेला? अरे ना ना भरदम दही थोड़ा खा के हलवानी, ही तो मजाक कर हलवाड़ी। चल बाय। चलो चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं अभी भी यहीं पे हूँ। अरे कंचन चला उठा। ममता तू काहे रो रहल बाड़ू? हाँ ममता, अब तक हमारे सास ससुर और पति मिलके सिर्फ हमके ताना मारत रहले, लेकिन अब हमके मारल भी स्टार्ट कर देने बाड़े। काहे? आपके महीने के वेतन से हम माई बाबूजी के 10,000 रुपया दे देले बानी, जिकरा वजह से कालू हमरा के बहुत मार मरले। का भाई सब कहा
का गइल बाड़ू? तोहरा के तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवावे के चाही। कैसे करी ममता, हम तो सिर्फ माए बाबूजी की वजह से कुछ नहीं खे बोलत। विदाई के टाइम माए बाबूजी कहले रहलन कि आपन ससुराल वालन के पूरा ख्याल रखिया। समझ नहीं खे आवत कि हम का करिए और कहां जाई। शांत रहा ममता। जी क्या बात है, आजकल कंचन बहुत उदास रहती है। अरे देखिए ना सर, इसके ससुराल वाले इस पे जुर्म ढा रहे हैं और ये चुपचाप सह रहे बैठकर। आजकल समाज में ना लोभी लोगों का बहुत राज चल रहा है, इसलिए शादी ब्याह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तो सर ऐसे लोभियन लोगों को सबक भी तो सिखाना चाहिए ना। हाँ हाँ जरूर सिखाना चाहिए। तुम टेंशन मत लो कंचन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक है? जरूर। वाह मजा आ गई ला। भाभी आ गई ली। आए? माई भाभी आ गई ली। दबजी। अरे वाह बहु वाह वाह, घर एकदम सुन भलल, तोरेले से हमार घर फिर से गुलजार हो जाएगा। बाबूजी प्रणाम। खुश रह खुश रह खुश रह। तो अम्मा बाबूजी ठीक पड़ा ना? जी बाबूजी सब है ठीक। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अम्मा जी प्रणाम। खुश रहा दुल्हन। माई हाँ ये बढ़िया कहलू। अरे हिने का देखा तेरे को ना, देख कम से कम अब अच्छा खाना मिली। हलो अपने भौजी के भीतर लेके जा। चला बाबू जी। अरे 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 ये क्या कर रहे हो बाबूजी? देखी क्या खाली अलविया। अरे लौकत नहीं है, मिठाई के डब्बा है, सूप है, पंखा है, अनाज की बोरिया है, और क्या चाहिए? अरे नगद नारायण देले बना गया कंजूस राम। अरे नगद नारायण शुरू हो गए पैसा की खुजली। अरे कितना बार कह ली है, हमार असली धन हमार परिवार है, हमार दुल्हन आ गए ना घरे, अब घर में रौनक हो जाए। हाँ अरे मैं चला भीतरे, इन करता ऐसे ही चलते रही। दे हम पकड़ ली। अरे वजह 10 रुपए क्या कर गए लबा? अरे कैसन छोट छोट काट रहल बाड़ू, तनी बड़ा बड़ा काटा कितना बार सीख। अरे ये सब रवा लोग का करते नहीं लोगिन। अब हम आगल बनू, ये रसोई के पूरा जिम्मेदारी हमार बा। अमा चिर में छोड़ दी हम कल। हाँ पूजा बनी दी सब हम रखे। अरे बिया के बाद ये सब नु करके बाजी रहुआ रहुआ, जाए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दी। जाए जाए ठीक बा भाभी। ए अमा जी रोज छोड़ ना दी, हम साल लेम जी। अरे दुल्हन जब से आयल बाड़ू फिरनी की तरह नाच रहल बाड़ू, तू थक गई हुक्कू, रहेगा हम करवावता नहीं। अरे अमा जी हमर चेहरा देख के लगा तो हम थकल बानी। ननु नहीं अमा जी, हम रुआ से एगो बात करे के रहल। हाँ तो बोला ना। हमरा गांव में नु एगो खूब बढ़िया लड़की बिया, ओकर नाम ममता है। ठीक बा हम तोहरे बाबूजी से बात करब। वाह कमाल का खाना बनल बा, वाह मजा आ गेल भाई। सही में हाँ। ए पुजिया तू कुछ सीख चाहे ना सीख, लेकिन भाऊजी से खाना बनावे जरूर सीखिए, ससुरारी में मान सम्मान बढ़ जाई। हाँ। स्वादे के चक्कर में रहुआ अपन उंगली ना चबा जाए। केहू कुछ कहे भाई, लेकिन भौजी के इलाज से ई घर में बाहर आ गेल बा। हाँ। आज तो बहुत आवाज निकलत बा। तो काहे ना बोलब ससुरारी के खीर पूरी जे खा के आयल बानी। अच्छा सुनत आनी रहुआ, दुल्हन कुछ कहे के चाहतिया। हाँ कहा बेटा कहा कहा। बाबूजी उबीर बाबू के ब्याह के बारे में बात करे कर रहल। ना बहू बिल्कुल ना, एक टा हमार 6,000 रुपए का पेंशन, ऊपर से इनकर 200 रुपए पान के दुकान का कमाई, जब यही से घर का खर्च ना चलता और एक जन के फिर बैठा ले अपने कपारे पे ताकि वो ना हो जाए कुछ ना, जब तक बीर नौकरी ना करी है तब तक इनकर ब्याह शादी कोनो बात ना हुई। अरे पहले पूरा बात तो सुन ली फिर बीच में कूदी ना। बोला दुल्हन सुना बा। अब बाबू जी हमारा गांव में एगो बहुत बढ़िया लड़की भी है, ओकर नाम नु ममता है, बहुत संस्कारी लड़की भी है, ओकर कुल खानदान भी बहुत अच्छा बा। अब वीर बबुआ का ओकर पूरा परिवार बहुत मानेला प्यार करेला और ओकर नु सरकारी नौकरी बा, प्राइमरी स्कूल के मास्टरनी ही है। का का बहू फिर से वो लास्ट वाली लाइन रिपीट करा बाबूजी, वो प्राइमरी स्कूल के मास्टरनी भी है। हाँ।
वो प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी दिया और उकर परिवार वाले हमारे वीर के बहुत पसंद करे। हाँ जी बहुते माने ला लो। हाँ तो ठीक है माने ला। इतना हैंडसम खूबसूरत लड़का कहाँ मिली? बिल्कुल अपने बापे पे कहला। ए बहू उनकर से कहते ज्यादा बातचीत न करे हाँ चट मंगनी पढ़ ब्याह कर दे। जी बाबू जी मास्टर ने बिया कम से कम 40 से 50 हजार रूपए महीना तो मिलते हुई कुल पेमेंट मिला के 60-62 हजार रूपए हो जाये। अरे बाबू जी खाना खाई खाई बहू दू गो रोटी देता भूख बढ़ गई। हाँ दादा दा, इनकर भूख बढ़ गई। और सुना जल्दी से बिया के बात कला। ठीक बा जजमान लैका लैकी के कुंडली देखले में ता बहुत बढ़िया बा। भौजी कुंडली मिल गई। एकदम राम सीता के जोड़ी नियन बा। अरे भाई पंडित जी जब इतना कुछ मिल गई बा तो जल्दी से ब्याह का मुहूर्त भी निकालता यार। ठीक बा। हाँ जब इतना बढ़िया संयोग बनता दोनों परिवार के मिलन में देरी कौन बात की है। हाँ पंडित जी अब कोनो बढ़िया दिन देखा जाओ पंडित जी। अगला महीना के 10 तारीख के बहुत शुभ मुहूर्त बा। अरे वाह हमने के संधि बल के नहीं जा। नहीं 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 ना ना नहीं मुंह मीठा करी हमने के बेटी के यहाँ के पानी होना पिए नहीं जा रुआ मुंह मीठा करी। चल त्रिपुरारी भाई बहुत अच्छा भाई एक ही घर में दोनों बेटी रही हैं सर। हाँ भैया हम दोनों जने में से केहू भी आई तो दोनों लड़कियन के हाल पता मिल जाल करी। कातिवर जी आए कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना रोवा तो एक कबर में छक्का मार देनी चाहिए। बिटिया आज हम बहुत खुश बानी जौन तोहार और वीर के बियाह तय हो गए तू तो खुश बाड़ू ना। हाँ माई जब तू लोग हमरा के हर फैसला लेवे के इजाजत देले बानी तो हम आओ सोचनी कि हमार जिंदगी के ई फैसला तू ही लोगन के होई हमरा के राउर हर फैसला मंजूर बा। घर बार तो बहुत अच्छा बा बिटिया लड़का भी बहुत अच्छा बा बहुत भोला भाला बा तारे के बहुत प्यार करी बहुत सम्मान से रखी लेकिन बस ये सोच के अभी से करजा काप जाता कि तोरा गैला के बाद अपनी के कैसे रह जा। बाबूजी अब ये ले बिया तय भइल बा भइल नहीं के अब बही से कुल लोर बहावे लगला। हाँ हमें जैसे चल जाए तो फिर का होए तो हाँ दीदी हम तारा साथे चलब। हाँ हाँ जरूर चली हम एक काम करा सबके लेके जाए ठीक है। बहुत जोर के भूख लागल बा। अरे हमार बिटिया की भूख लागल बा। चलो चलो गरम गरम खाना खियाता नहीं चलो। अच्छा बेईमानी मत करिया ठीक है। रुकना छा लेना था हमर चालन रे 1 2 3 4 5 6 अरे गोर लगता नहीं मास्टर साहब। मास्टर साहब तोनी लोग आनर वानर हो गए बड़े करे। मास्टर साहब कितने लोग था? अरे रउआ बानी मास्टर साहब। हाँ अरे ससुरा इंजीनियरिंग करके इंजीनियर न बन पौनी मास्टर साहब तब बन गए नहीं रे। बैठा बता बता नहीं बतावा मास्टर जी के वाइफ के मास्टर निकल जाला वैसे ही मास्टर नी के हस्बैंड के का कल जाला मास्टर साहब। तोरो बिया हुई तू बनवे मास्टर हां ऐसे ना हम सब आदत बना पता नहीं तोरा के मास्टर साहब के बाकी भाई इतना बड़ा छुपा रुस्तम निकलवा हमनिन के पता ना रहे। छुपा रुस्तम कौन बात तोनी लोग से छुपौनी बता बता। अच्छा गइल हला भाभी के लिए आवे अब वहां जाके सेटिंग का क्या आ गई ना वो सब इतना जल्दी हो गेल कि बतावे के मौका न मिलल लेकिन जे भइल ना भाई बढ़िया बा। हां बढ़िया तो बाड़ी अब तोरा के कुछ करे के जरूरत नहीं है। हां पत्नी मास्टर नी काश यार हमनियो कभी कोनो सरकारी नौकरी वाली मिल जात ना भाई। हाँ। मजा आ जात हा कमाई हम आराम से बैठ के खाई थी जिंदगी सटल हो जात भाई। ए लल्लू
हमनिन के नसीब ना वीर बहादुर ने ठीक नहीं के बाकी भाई रघुआ के बारात में ना इतना गर्दा मचा दियल जाई कि पूरा ससुराल वाला जिंदगी भर याद रखिए। अरे बम बम फोड़ बेकार है। अरे बारात के दिन ना पता चली। बाकी भाई एक बात बताई कि मास्टर नी पसंद आइल कि ना? अब का बताएं? आइल? अब आइल ना आइल। आइल आइल। तो अब तो साइकिल के जगह बुलेट पर होई सवारी? हाँ। अब बुलेट पे घूम अब हम और हमार प्राण प्यारी दुनिया सारी। एक राजा ठेक जला देहिया ताके लो तो धीरे धीरे बढ़े लगे नहिया। मारे लो भी एक राजा ठेक जला देहिया ताके लो तो धीरे धीरे बढ़े लगे नहिया। ओ सही घुमाई बाकी ले जाई बुलेट पर खींचा वाला फोटो सॉन्ग है बुलेट पर सड़ावा के घूमब नंबर प्लेट पर खींचा वाला फोटो सॉन्ग है बुलेट पर सटावा के घूमब नंबर प्लेट पर। राम भैया। राम राम। राम राम भैया नेवता लेके आइल बानी। अच्छा बैठा बैठा मर्दे ई देखा ई गोवर्धन तिवारी भैया के यहाँ शादी बा वीर भाई के जरूर आ जाइए समझ गए ना ई ल ध्यान से देख ल। हम निकली अब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बा प्रणाम। अच्छा राम राम। कंचन हमार सहेली आज हम खुश बहुत खुश बानी। मालूम बा आज हमार ब्याह तय हो गेल बा। और अरे आज तो फिर रो रहल बाड़ू। अब तो ये अपना जिंदगी के रोज की दुर्दशा हो गेल बा। खैर ये सब छोड़ तू वो शादी करके ससुराल जाए वाली बाड़ी तो हर सास ससुर पति अच्छा बाड़न ना। अरे हाँ उनकरा के तो हम पहले से जाने ली और उहे बहुत ही प्यार करे वाला बाड़न। हमार रिश्ता जान पहचान में हो रहल बा और रहल बात घर के तो वो हमार पड़ोसन बारी ना सीमा दीदी
उ हमार जेठानी बन रहल बिया। हमरो बिया जान पहचान में ही भइल रहे, लेकिन भगवान करे तोरा के अच्छा घर मिले। ताई कैसन परंपरा बा, एगो लड़की ही विदा होके ससुराल कहे जाली, लड़का कहे ना जाला। लोग तो कहले कि लड़का और लड़की दोनों बराबर बाड़े, फिर ये भेदभाव का है। हमके तो लगता कि अगर लड़का विदाई करके ससुराल गईला ना, तो लड़की ज्यादा सेफ रही। देखा कंचन, ई सब तो समाज के रीति रिवाज है, जेकरा के हम सबके निभावे के पड़ेला, और तू जुर्म सह रहल बाड़ू। पर चिंता मत कर, हम तोरे साथे बानी ना। देखिया, एक दिन तोहार घर आए, तोहार सास ससुर कुल पापी लोगन के हम सबक सिखा देब। आजकल के कानून बहुत मजबूत हो गए बा, पुलिस वालन ऐसे ने सर फरीबियन के अच्छे से मजा चिखावेलन। तू चिंता मत करा। बाबूजी, उगाड़ी हलवाई डीजे बाजा रथ सबकर सट्टा कर देले बानी। वो सब तो ठीक बा, लेकिन दुल्हन का गहना कैसे बनी? 6,000 रुपए का हमारा पेंशन और 200 रुपए लेकर तो हर पान के दुकान का कमाई वही में कुल खर्च हो जाता। बाबूजी, ओकर चिंता मत करी। कहां से कि हम छोटू सोनार से बात कैले बानी, कुछ रुपया पैसा दे करके और गहना वहां से उठा ले, ओकरे बाद हर महीना धीरे धीरे करके ओकर पूरा कर दिहल जाई। हर महीना? हाँ, बहू जब आ जाई तो हर महीना से ओकर तनखा से उनकर दिया जाई। बस एक बार बहू लक्ष्मी के रूप में हमारे घर आ जाए, बस 6,000 रुपया हमारे पेंशन और 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपया तो हाल 6,612,000 रुपया और 50,000 रुपया हमारे बहू का तनखा, 50,762,000 रुपया 62,000 रुपया हमारे घर संपन्न हो जाए, हमने क्या संपन्न हो जाए। अरे बाबूजी, राउड धोन ना हमेशा होके वाले भौजी के पगार पे ही रहला, ई लीजिए। बाबूजी, अभी जोन पैसा के बात कैला है ना, वो बहुत बढ़िया कैला, लेकिन बहू के अइला के बाद ओकरे सामने ई बात मत करी हा। कहे? अरे नहीं तू कही ना, ई बुढ़वा बहुत लालची बा। बाबूजी, बाबूजी, सगरो का गांव में बांट देनी। अरे कहां बट गई, हाई देखा, पांडे जी के कार्ड यहीं बा, सगरो गांव बांट देला। देखा पांडे बेटा जुल्फी काट लेता और भाग यहां से, भाग भाग। अरे चल जो मरते। ए बाबूजी, वो सब तो ठीक बा, लेकिन हमार महरारू आई तो रही कोना कमरा में। हां बस अब ये कुल बात ही रह गल, की कुल बात यहां करे के शर्म नहीं किया तो समझावा करे के। बी रेशन करा कि तू बीच वाला कमरा ले ला। अरे वो बीच वाला कमरा के तो दीवार के सब रंग झड़ल बा। अरे भैया, तू अपने हिसाब से सब ठीक करा लिया। गुड आइडिया, अभी हम जाता नहीं, वो कमरा के ताजमहल बनावे का बंदोबस्त करता नहीं। अभी हम मार्केट से सामान लेके आवता नहीं। अरे कार्ड जा रहा बानी तो ओकरा के कार्डो देते। मेहरा रुक चक्कर में पगला गई, फिर वो 1,000 रुपए पेट में खर्च कर दई। प्रणाम फूलचंद भैया। अरे प्रणाम प्रणाम वीर बहादुर भैया, सुननी है राउर ब्याह होता। हाँ। अरे घर के रंगाई पोताई होई कि ना होई? अरे वे खातिर ताइल बानी। अच्छा, फटाफट 3-4 ऐसन रंग के पेंट देता कि घर हमार चकाचक दिखे, और हाँ इल हमार ब्याह क्यों नहीं होता। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाना। तो सुना, याद रखिया बारात चले के बाद। अरे काहे ना चला, यार के ब्याह होता नाचत कूदत चला। अच्छा सुना, फटाफट हमार जल्दी पेंट। हम तने जल्दी मानी घर आके पैसा ले लिया। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। चल हां ठीक बा। भौजी, हे भौजी, हाय देख हम मार्केट से रंग बिरंग के पेंट लेके आइल बानी, आज तो हम कमरा के फिल्म के सेट जैसन सजा देब। हां जौन रंग बच जाई ओकरा से तोरा साथे होली में होली खेल ले। अच्छा सुना ना बाबूजी, हमरा के बीच वाला कमरा देले बारन, ओकरा के खाली कर देबू का? अरे देवर जी, रुको, कहे से पहले हम खाली कर लेबन, जाके देखी ना। अरे तू ही तो एक बारू जी हमार मन के बात हमसे भी पहले जान लेवेलू। हमार प्यारी भौजी, जातनी हम कपड़ा के सजा देतनी। अरे बाल्टी भी तो चाहिए रंगे खातिर। ई है हमार ममता के ड्रीम हाउस। ई दीवार के हम रंगम लाल रंग से, आई के हरियर से, आई के आसमानी रंग से रंगम। रूम के तो एकदम चकाचक कर देव हम। हाँ चल बीरू लग जो। छूई तो
हथवा छलक जला हो बड़े धड़कन करे जा दलक जला हो जब छुई तो हथवा छलक जला हो बड़े धड़कन करे जा दलक जला हो मनवा में आवे ख्याल कैसन तोहरा मनवा में आवे ख्याल कैसन चुना मरला से चिकन भइल बेबाल तोहर गाल जैसन चुना मरला से चिकन भइल बेबाल तोहर गाल जैसन सर, सर कंचन क्या आपको सुबह से दिखी है क्या? आज छुट्टी पर है क्या? नहीं तो, मैंने उसको फोन किया, ना तो वो फोन उठा रही है, ना तो उसने फोन करके कुछ बोला है। आप जरा उसको फोन करके देखो क्या बात है। एक सेकंड सर। मैडम मैडम वो कंचन मैडम ना मर गई। ममता के माई कार तो लगभग बटा गई, बस इतने बचल बा। ए जी, अब तो हम अपनी बिटिया के दुल्हन के रूप में देखे के राह देख रहल बानी। अरे बिटिया ममता, देखा बेटा ये कार देखा तो कैसन बा। ये बटवार हल बनी। Oh,
कार्डवा काहे भर देले रे हमके बियाह नहीं के करे के बा अरे लेकिन का है कहत बाड़े अरे ते पगला गेल बाड़े का माई हम कहनी ना हमके बियाह नहीं के करे के बा अरे लेकिन काहे लिखे करे के बेटा तारा मर्जी से बियाह तय भेल ना हैं सब तैयारी हो गई इतना काट सब बटा गई सारा लोग के पता चल गई अब ते कहत रे कि बियाह नहीं के करे के अब तोरा ससुराल से कोनो टेंशन बा आके वीर पसंद नहीं के उस सब हमके नहीं के मालूम बाबूजी बस हम इतना जाने ली कि हमके कबहू बियाह नहीं के करे के बा अरे लेकिन काहे नहीं के करे के रे पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई मकाई कैसन परंपरा बा एगो लड़की ही विदा हो के ससुराल कहे जाली लड़का कहे ना जाला हमके तो लगता कि अगर लड़का विदाई करके ससुराल गईला ना तो लड़की ज्यादा सेफ रही गांव जवार सगरा और रिश्तेदारी में तोहार बियाहे का बात फैल गई बा कार्ड बटा गई सब खरीदारी हो गई काल अगर सबके पता चल जाए कि तोहार बियाह टूट गई तो हम सबका कितना बदनामी होए? देख बेटा ब्याह तोरा मर्जी से तय भइल बा अब ऐसन कोनो उल्टा सीधा फैसला करबू तो तहार बाप केहू के मुंह दिखावे लायक ना रही है आ समाज में जब लोग के पता चली कि ब्याह कट गई तो हमार मान सम्मान सब खत्म हो जाई और उस स्थिति में हम जीते जी मर जाई यह से तोरा आगे हाथ जोड़ता नहीं हम समाज के उजियारे में छुपल काला चेहरा देखे के बाद ही फैसला लेने वाली अब बाबूजी, आप लोगन खातिर हम ब्याह करे खातिर तैयार बानी लेकिन हमरो एको शर्त बा शर्त कैसन शर्त यह कि वीर बारात लेकर ना आई है बल्कि हम बारात लेकर जाए उनकरा घर और वीर के विदा कराकर एजा लेकर आए अगर रवा लोगन के हमार शर्त मंजूर बा तो हम भी शादी खातिर तैयार बानी ब्याह के सगरो तैयारी चौचक हो गई बा बाबूजी बस बारात निकली और दुल्हन घरे आवे के देर बा अरे वाह यह तो हम तब से दिन की रहल बानी हां अगले महीना से हमारे घर में 62,000 रुपया का बारिश होई अपने हम सब कर कर्जा रहनी अब सब लोग हमार कर्जा रही बाबूजी खाली रात दिन पैसा 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 अरे पैसा के अलावा दिमाग में और कुछ बा अरे भगवान इनका लालच पता नहीं कब खत्म करी है अरे पूजा हाँ माई वीर कहाँ बा लौकत नहीं खे माई वीर भैया सवेरे सवेरे मार्केट गेल बाड़े अच्छा समझे जी प्रणाम प्रणाम आई आई समझे जी आई आई कैसे आल गेल है दरअसल ये बात फोन पर भी हो सकत रहा लेकिन अब बातें कुछ ऐसन बाकी हमरा ये आवे के पड़ल रउआ घर कोनो बात ना बताई का बात है दरअसल बात ऐसे बाकी ये ब्याह नहीं हो सका का कोनो कोनो बात तो हुई अरे ऐसे में पूरी ब्याह की तैयारी हो गई बा और ऐसे समय अगर रिश्ता तोड़ल जाए तो पूरे समाज में जगह हसाई हो जाए हाँ। देखिए दोनों खानदान के इज्जत के अगर बचावे के बा हाँ। तो शादी कर गति तैयार भी है लेकिन अब ओकर एगो शर्त बा शर्त जी कैसन शर्त शर्त ई बा कि दुल्हा दुल्हन के विदा करके ना ले जाई दुल्हन दुल्हा के विदा करके ले जाई मतलब हमार लेका घर जमाई बन के रही घर जमाई ना रही बस कुछ दिन ओकरा साथे रही और जब ओकरा इत्मीनान हो जाई
कि वर हमरा पति बने लायक बा तो फिर ओकरा के लिया के वापस अपना ससुराल में रहे लगे। अगर आप सबके ये शर्त मंजूर होके तो ब्याह हो सकेला। बाकी हमरा के बताएब सर, चल तनी प्रणाम। ए माई, ए बाबूजी, हे भौजी, अरे सप्ताह जे बारन, हे भौजी, हे देखा, चादर कैसन बा, आज देखा पर्दा, बढ़िया कलर बा ना, हा? तू तो ममता के अच्छा से जाने लू, उनकरा के पसंद आई कि ना, ए पूजा, हे देखा, कितना बढ़िया कलर के झारा लेके आयल बानी, बढ़िया कलर बा ना, हा? माई, तू बतावा ना, सब लोग इतना शांत से बैठल बाड़ा, अरे पता बाना बिहा में कितना काम होला, तू लोग ऐसे आराम से बैठवा तो कैसे काम हुई? चलो चलो सब मिलजुल के काम कर जाओ। हाँ चलो। अरे अब यो के हो कुछ नहीं के बोलत, समझ गई तू लोग ये सोच रहल बाड़ा ना कि बिहा तो हमार बा, सब काम हमरे करे के पड़ी। ठीक बा भाई, हमार ब्याह बात हम ही गधा बन के सब काम कर ले। ए बाबू। जी बाबूजी। ऐसन बा, अपने लाडला देवर के समझावा, तुहे पता बाना का समझाओ बा। जी। जा जाओ के बनावा। ठीक बा। मस्टरनी साहेबा, काश तू रहतू तो ये सब देखतू, ये पर्दा, ये झालर, ये मिर्ची लाइट, ये सब तोहरा खातिर। ये कमरा के तो हम ऐसा सजा देब ना कि तू भी सोचबू कि हम तोहरा खातिर का कैले बानी। हाँ ये चादर के कोना खिड़की पे लगाई, ई खिड़की पे अच्छा लगी कि ऊ खिड़की पे? अरे भौजी अच्छा भइल कि तू आ गेलू। अच्छा ई बतावा, ई चादर कोना खिड़की पे अच्छा लगे, ई खिड़की पे कि ऊ खिड़की पे? और ई झालर हम सोचे तनी कि ई दीवार पे लगाई, तू बतावा कोना दीवार पे अच्छा लगे, ऊ दीवार कि ई दीवार? ई दीवार पे। अरे मिर्ची लाइट के हम सोचे तनी ई खिड़की पे गोल घुमा के लगा देब और झिकझक जली ना। अरे भौजी का भइल, तू रोत काहे बाड़ू, तोरा से कहे कुछ कहलस का? हम के बतावा तू? ना बाबूआ, हमरा के केहू कुछ नहीं के कहले। ममता के बाबूजी अपने घर आए रहनी। अरे तहे में रोवे वाला का बात बा तू हो ना, डरा दिलो हमके। बबुआ वो ममता कहले बड़ी की बारात लेके रहुआ ना, बल्कि वो हमने के घर लेके आई है और विदाई करवा के लेके जाई है। का मतलब भाभी, वो बारात लेके आई है और हमके अपना घर विदा करके लेके जाई है? अरे तोरा तो मजाक करे भी ना बेला तू ना। बबुआ हम मजाक नहीं करत, ये बात सच बा, यही के वजह से तो घर के सब लोग परेशान बा। बबुआ ब्याह के बाद कुछ दिन रुआ वही जी रहे के पड़ी। मतलब ब्याह के बाद हमके ससुरारी में रह के पड़ी, वो घर जमाई बन के? ना हो सकेला, ना हो सकेला। हम अभी माई बाबूजी से बात करता नहीं। माई बाबूजी, हे बाबूजी। हाँ वो लड़की के एगो सरकारी नौकरी का मिल गई, इतना घमंड। बाबूजी ये ब्याह कैंसिल कर दा। लेकिन बेटा। अरे तू हमके खरीदे चाहती यार, तू लोग बेचे खातिर तैयार बड़ा? वीर बहादुर के दिन इतना खराब ना आ गई क्यों घर जमाई बनी? अरे भाई अमन घर जमाई ना बन गया, अरे वहाँ कुछ दिन रहे के है, वो मेहमान बन के और फिर बहू कुछ दिन बाद आई जाये ना। ना अरे वीर, अरे तोहरे ब्याह के पूरे गांव में हल्ला हो गेल बा, हर जगह कार्ड बढ़ गेल बा, और अगर ये सब होखे बदे रिश्ता ठुकराए उठी ना तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाई। समझ गई, हम सब समझ गई। तू लोग उन नौकरिया बहू के चक्कर में पड़ल बारा, हम के बेचल चाहता ना। कान खोल कर सुन ल भैया, हम ही ब्याह ना करब तो ना करब, अब तो हमें ब्याह तब्बे करब जब हम सरकारी नौकरी पा जाए। बात मान जाना भैया, कुछ दिन के तो बात बा। अरे ये कैसन बात करता रू पूजा, ये कौन तरीका के ब्याह? ऊ बारात लेके आई और हमके दुल्हन बना के विदा करके अपना घरे लेके जाई? हट ना मन बे ना। ना
बन बीते ना मतलब ना अरे जब ब्याह ना करे तो हम जी के का करब ए दुल्हन जा सत्तू लेके आवा ए पूजा पूजा अनाज के कमरा में से चूहा मारे वाली दवाई लेके आवा अब हम ना जी अब हम अपन जान दे दे जान अरे अरे जियो के जरल हम मर जाए अरे का जवार भी जब मुंह दिखाए लायक ना रहा तो का करब जी करके ऐसे पहले तो हम मर जाए अरे कहो रे गली ने दे अरे सब का करन बड़ू अरे कुछ बात कहो रे गली अरे सब का करन बड़ू माई हम तो चाहता नहीं पर तू अपन ध्यान रखिया हां तेरे को ना रोक रही भैया माई के बचा ला अरे बेटा माई के बचा ले रे अपने अरे वीर आपन जी छोड़ा और हम सब के बात मान ले और अगर एकरे में कुछ हो गए ना तो जिंदगी भर पछताए के पड़ी देवर जी अगर रहुआ चलते हमरा अम्मा जी कुछ हो गए लूं तो हम रहुआ का कबो माफ ना करब और ये घर छोड़ के अभी नहर चल जाब हम अरे रुक ये मई मई ए पकड़ रे ए मई तू ही हमरा खातिर सब कुछ बाड़ू तू जैसन कहबो हम वैसन करब ए बाबूजी फोन करके उ लोग के बोल दा कि हम ब्याह खातिर तैयार बानी ठीक है ठीक बा सब खुश मान गई और के क्या बात है अब्बा हेलो जी गिरधर जी सुनी ना हमार बेटा वीर बहादुर ब्याह खातिर तैयार हो गइल बा बहुत बढ़िया बढ़िया बात जी प्रणाम अरे ममता ए ममता के माई का भाई फोन आई रहला होलो के शर्त मंजूर बा ब्याह कर खाती तैयार बालू बेटा अब तो तू खुश बाड़ू ना राम राम भैया राम राम भाई पहला शादी के काज तिवारी जी ए तिवारी जी हां गोवर्धन जी के घर के नेवता हो वो तो मिलल रहे हमके अरे वो सब कैंसिल हो गई ई बार बारात जाई ना बारात आई ई कैसा रिवाज है अब तू जाके पहल का कजवा ले आओ अच्छा जा जल्दी जा अरे जल्दी ले आओ मर्दे बहुत जगह जाए के बा आ जाइए ठीक बा ठीक बा यार वीर बहादुर अरे ऐसा मुंह लटका के काहे बैठल बाड़ा तोरा के तो खुश होके के चाहे कि जवन कारनामा तू करे जा रहल बाड़ा ना ई दुनिया के कौनो भी मर्द ना कर सकेला भाई हमरा आंखी के सामने ना पूरा रस्म रिवाज घूम रहल बा काका सपना देख रहे रहली भाई हां कि एकरा बराती में जाई हां लड़की के दीवारे झकझोर नागिन डांस करत सारा सपना टूट गेल यार अब का हुई का अभी दूल्हा के स्टेज पर ले जाके पड़ी लड़की के जूता चुराबे के पड़ी ओकरा बदला में ना नेग मांगे के हे भगवान हमरा के यह दिन दिखावे के रहल तो हमरा के लड़की बना के भेज देले रहती इस दुनिया में अरे चिंता मत दे तू लोग पागल समझे तारा का कि वो बारात लेके आई तो सारा रस्म रिवाज बदल जाई ना तोहनी के का लगता कि ये सब हम कोनो एडवेंचर खातिर कर रहल बानी माई के खुशी खातिर कर रहल बानी हमरा खातिर माई के खुशी से बढ़ के कुछ नहीं खे अरे हमार खुशी ससुराल में रहला से माई के खुशी मिल जाए तो हमें का बुराई बा हमरा खातिर माई के खुशी से बढ़ के कुछ नहीं खे हमार सांस भी ना का हो डाकिया बाबू हम ही का सुन रहल बानी अपने वीरू के नया विवाह कर रहल बाड़ा 50,000 देखले बाड़ा सपना में देखले बानी सपना में ना हमार बहुरिया 50,000 रुपया वेतन पावेले मास्टर मास्टर वो सरकारी मास्टर यह जान के लईकवा के अपने बेचत आड़ा बक बेचतना बड़ी अरे जाई वहां रही फिर वेतन बहुरिया और बेटा तीनों हमारे लगे ठीक है बा एक एक काल जला दिमाग अरे सुन ला हा ई जोन अपन डाकिया बाबू हवे ना ऊ उनके छोटका लइकवा अच्छा वीर बहादुर ऊ नया विवाह करे जाता अरे जंग बहादुर भाई तनिया को पान देबा अरे दे तानी हाई ला सुभाष चंद्र मौर्या ई हमारा भाई के ब्याह के नया कार्ड है
कार्ड तो मिलल रहे। अरे वो कार्ड के भुला जा, कहे से कि ना बारात ना जा रहल बा, बारात आ रहल बा। अच्छा ये नया विवाह है? हाँ नया युग में नया विवाह। अच्छा। पान। अच्छा पैसा लिख लिया? अरे लिख लेता नी। फूलचंद भैया। अरे बीरबहादुर भाई। हम जोन अपना ब्याह के कार्ड दिले रहनी वो वापस दे दी। कहाँ रख देनी? इला ये कौन नया विवाह होता कि लड़की बारात लेके आई और विदाई हुई? इला हमार नया विवाह के नया कार्ड और याद से हमार बारात हमार ब्याह में चले हिया। जाने लो वीर बहादुर के नौका ब्याह हो तो का होई? ये कुल कलजुगा देखे देखे एक बा। चला वीर बहादुर तार बारात आ गई बा। वह संगम बैंड के साथ भौजी बाहुबली रथ पर बैठ के ना एकदम देव सेना लागत दिया और पूरा गांव उनके पीछे नाच रहल बा। अपना ही घर समझे सब लोग के बात माने। हाँ भौजी अब हमके समझ में आये कि तू अपना माई बाबूजी के छोड़ के आवेलु तो इतना काहे रोवेलु। तू लोग के बिना कैसे रहा? पूजा माई के ध्यान रखिया बाबूजी। पगला कुछ दिन के बाद
जब 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 बहुत तनखा मिले ना तो हम आए तनखा लेवे ठीक है ना बाबू जी हम तू लोग के छोड़ के कहीं ना जाए अरे तो 65,000 रुपए कहां डुबाओ तुम ये समझा ना रे समझा हम तू लोग के छोड़ के नहीं के चल चल तुम रे ये बाबू जी कैसे रहे तू लोग के बगैर रे हम अरे भाई नहीं हर वे अब रही दुल्हन दुल्हा के होके विदाई केहू आज से कहीं ना की होली बिटिया पर आई हाँ नहीं हर वे अब रही दुल्हन दुल्हा के होके विदाई केहू आज से कहीं ना की होली बिटिया पर आई बन जाए नया रीत हो मन के मिले हो मन मीत हो देखे मालूम के बदले निगाह आज होता ही नया विवाह हो आज होता ही नया जब ही नया विवाह में सब कुछ उल्टा हो रहा बा ती कैसे हो गई कि तू ऐजा बैठ के हमारा इंतजार कर रहा बाड़ू हम तो सोचले रहनी कि हम ऐजा बैठ के तुहार इंतजार कर और तू हमरा खातिर कमरा में बू खैर तू ये सब काहे कर रहा बाड़ू हमके नहीं पता लेकिन हम इतना जाना तनी कि हम ही शादी अपना परिवार खातिर के लिए बानी हम बस एक के बात कह जब एगो लड़की अपन सगरो रिश्ता नाता छोड़ करके एगो पराये घर में जाकर रह सकेली तका रहुआ कुछ दिन खातिर हमार घर में ये रिश्ता नाता छोड़ करके ना रह सकेला का काहे ना लेकिन ये दुनिया समाज और भगवान के बनावल रीति रिवाज पे चल रहल बा लेकिन जौन ही तू अपना बनावल तरीका से शादी कैले बाड़ू एकरा के हम मरते दम तक निभाई जैसे चहबू वैसे निभाई लेकिन एक बात याद रखिया ससुराल ससुराल होला नैहर नैहर आज भले हमनी पति पत्नी बानी जा लेकिन तोहरा के पत्नी के दर्जा तोके ससुराल में ही मिली गुड नाइट आपकी बाथरूम करा देता नहीं बाथरूम लेकिन बाथरूम अभी लगे के तो चाहिए अरे चली, अरे चली चली अरे 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 आज हम अपना दमाद के अपना हाथे से खियाई अरे 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 हम खाले रहुआ काहे तकलीफ ऐसे कैसे बेटा आज ममता स्कूल गई बा तो करे पीछे हमें इनके ख्याल रखे पड़े ना तू रुक हम खियात बानी अरे हम खाले अरे तू रुक जीजा जी ससुरारी में सेवा के मौका बहुत किस्मत वाला के मिलेला काहे शर्मा रहल अरे हम शर्मा कहा रहल बानी हम तो खायल चाहत नहीं लेकिन हम खियाई अब तू खिया बा ए गुड्डू तू हर चल बिना डोला जीजाजी के खाना हम खियाई खिया था अच्छा जीजाजी पहले भात थई बा कि पहले रोटी भात रोटी ए ओ में चॉइस अरे भात रोटी लड्डू समोसा दाल सब खा ले लेकिन तनी हम क्या अकेले खाए दना तू लोग ऐसे सर पे सवार रहत हम कैसे खाए पहले दुल्हन देखे जात रहनी जा अब दूल्हा देखे जात रही ए ममता के माई कहां बड़े हो अरे 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 सुमन जा देखा क्या आयल बा हाँ हाँ हम देखा था रोज जाके देखी ना क्या आयल बा भारे हाँ 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 हम देखा बानी अरे 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 बैठी खावा भाई हाँ बैठी अरे रोज बैठी ना हाँ हाँ एकदम बढ़िया बा रोज बैठी ना अरे तन तेज डोला बा शांति मिलल अरे सुमन अपने जीजा जी के ना देखा ही बुका बुलाओ ना रुका बुलावा तनी अरे जीजा जी
खाना हो गए लोग तो बाहर आई हाँ। ये लोग हमके आज खाए ना दी हे भगवान आ रहल बानी दमाजी बहुत हाँ बढ़िया बा आ गए लिन दमाजी अरे तहार जीजा जी तो बहुत सुंदर हमन हो अरे नजरा देखा अरे वाह हाय ले दमाजी अरे अरे रख ली रख ली ई रिवाज है ले ले जीजा जी रउआ के जौन पैसवा मिलल बना मुँह देखाई के उ हमरा के दे दी उ कहा ना सहेली लोग के साथे मेला घूमे जाए के बाद रउआ खाती एगो गिफ्ट लेके आ जाई तू आजकल बेसी ना बोले लगलू तो का बोली हाँ हाँ बहुत सुंदर बाड़ा हाँ बहुत सुंदर बाड़े हाँ सुंदर तो बा हमार दमाद हाँ पूजा बोला का भैया ससुरारी में खातिरदारी होता ना अगर कोनो कमी हुई तो हमके बताइए हम ममता भाभी से कहके पूरा करा दे जी बिल्कुल पूजा जी राहुल बहुत बहुत आभार अतनी कष्ट करके माई से बात करा दा हमार हाँ हाँ कहे ना माई कब से फोन छीने की कोशिश करता रही ला बतिया ला अपन बेटा से हेलो हाँ हाँ मरलाल कैसन बाड़ा हम ठीक बानी माई तू कैसन बाड़ू बस एगो लड़का बिना एगो माई कैसन रही ठीक है बानी समझा अच्छा दुल्हन कैसन बिया तू ओकर ध्यान रखा तारा ना जी माई हम उनकर ख्याल रखा तनी हे माई हमरा के दे अब वीर अरे जब से तू गेल बाड़ा ना तब से पूरा घर सुन हो गेल बा सच में हम रख दी अरे बात तो पूरा होके दे बात कर दी हेलो देवर जी कैसन बानी जी ठीक बानी नु हां रवा तो बिल्कुल पराया धन हो गेल बानी जी वीर अपना परिवार खातिर कब्बो पराया ना हो सकेला अच्छा सुरी सुरी बाबूजी से बात कर रही हेलो बाबूजी प्रणाम हां कुसर कुसर ए बेटा बहू की तनखा महीना के कतार के होले बेटा ऊ सब हमके नहीं के मालूम बाबूजी अरे तो वहां का कर चल बड़ा तो के योरा पता ए बेटा सुन ना कैसे पता चले ना सबसे पहले हमारा के बताइए बाबूजी ललनवा के फोन आ रहा हम बाद में फोन करते हैं ठीक बा हेलो हेलो हर बाप अपने लड़का से होकर हाल चाल पूछेला बकीरी पगार कहिया मिली कै तारीख के मिली पैसा 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 हाँ ललन माँ बोल अरे का महाराज वीर बहादुर हैं तू ससुरारी का गईले हमने के तो भुलाइए गईले यार ना कोनो फोन ना कोनो चिट्ठी चिट्ठी आज के जमाना में चिट्ठी भोरे भोर बरिया गेल बारे करे अरे हमार मतलब रहे कि मेल व्हाट्सएप कुछ तो करे के चाहिए ना भाई हाँ आगे से कर दे हम भाई तो ससुरारी में खातिरदारी ठीक से होता ना अरे मत पूछ मर्दे कोनो बात जुबान पे आए होकरा से पहले हाजिर हो जाला बहुत बढ़िया भौजाई के हाल का बा एकदम चकाचक बाड़ी ना अरे एकदम चकाचक बिया ओकर तो चिंते छोड़ दे अच्छा सुना वीर बहादुर महाराज हाँ। देखा कोनो भी जगह पर ना ढेर नहीं रहला से ना इज्जत कम हो जाला तो तू ना जल्दी से आवे के प्लान बना बा हाँ प्लान करल बानी जल्दी ही आई भाई फिर तार पार्टी धूमधाम से करल जाए शादी के हाँ ठीक बा हम बाद में फोन करब अभी कुछ काम बा हमके हाँ ठीक बा यार हमारा एक बात समझ में ना आईल कि वीर बहादुर के मेहरारू वगैरह साथे ही काहे कैलस जीजा जी तावल दमाजी चाय चाय भी आ गेल हाँ देखिए कैसन बनल बा जीजा जी नमकीन और बिस्किट अरे वाह नमकीन बिस्किट भी आ गेल हाँ बैठ चली चली बैठ के खा ली अब चलो सुने दानी जी आटा खत्म हो गेल बा और गुड्डू भी स्कूल गेल बा चक्की पे से आटा लेके आई ना जी अरे हम खेत में जाना लोगो ले बन साजी खान गुड्डू आई तो ले आई ना लेकिन आटा माई हम सुमन से मिले जा रहल बानी सांझ होला से पहले हम वापस आ जाए बाबू सुनो ओनिए जाता रहो तो हम इकवा के आटा चक्की से आटा ले लियो ठीक ना ला अरे इका का दानी जी दमाद जी से आटा मंगाई हां तो का भइल मां जी जब जाहिर रहल बानी तो वापसी में आटा ले ले आई लाई दी बात सही जियो से केहू देखी तो का कही दमाद जी से काम करत बानी का कही हैं हित भरी दो दिन रहेला जब इनका यही जा रहे तो कुछ काम धंधा करिए नु है सुनो तू अपन ज्ञान अपने लगे रखो हमरा के मत सिखाओ हैं चलता नहीं खेत पर हम इत सीमा के देवर है इस सीमा के देवर रहले हैं अभी गिरधारी के दामाद ना बाड़न अरे अरे आई आई दमाद जी आई पहली बार हमरा मशीन पे आइल बानी राउर सेवा का करी चाय नाश्ता कुछ मंगाई ना ना कुछ ना हम तो बस आटा लेवे आइल बानी रघुआ दमाद हो के आटा लेवे आइल बानी
अरे त का भेल, सरकारी मस्टरनी से ब्याह कइले बाड़न, अभी ले नौकरी लागल ना बा, त घरे के काम धंधा करे के ना पड़ी। हो गेल तोहार, ए भाई हमके आटा की बोरी दे दा, बहुत काम बा, जल्दी जाके दे। फालतू गिरी अहली इला ठीक बा। हाँ, नमस्ते। ए जल्दी साफ कर। देखा था गिरधारी के दामाद साइकिल से आटा लेके जाता रे। यही सता घर जमाई बनौले बा। कहो दामाद जी। माँ जी, ये देखा हम आटा लेके आ गई नी। आ रहल बानी। ये देखा आटा लेके आ गई नी। कैसन पिसल बा? ये तो ठीक से पिसाइल नहीं खे। दमाद जी, देख के लिए आवे के चाहिए ना। अरे हमके लागल की ठीक से पिसाइल होई, ऐसे हम सीधे उठा के लेके आ गए नी। तोहरा घरे ऐसे पिसान को रोटी खाइल जाला। ममता के बाबूजी, आई देखी दमाद जी का कह के आइल बाड़न। का बोलो, काहे इतना हल्ला होता? देखी कैसन पिसान पिसा के लेके आइल बाड़न। गोबर को देलो कौन पढ़ाई कोइलो बड़ा मर्द है। एगो काम दिया तहरा के सब चौपट को देलो है। ये आदमी तो का जानवरो ना खाई। का भइल पापा? आटा पिसवा के ले आइल बाड़े। देखो ने बिटिया, दमाद जी कैसन दरबार आटा लेके आइल बाड़न। ओहो, काहे तू भेज ले रहलो? अरे खुदे जाए के कौन तो दिया गई। वीर देखा, तोरा के एजा कोनो काम करे के जरूरत नहीं खे, और वैसे भी जौन काम ना आवेला ओकरा के नहीं खे करे के चाहिए। लेकिन ममता देखी हमरा लगे बहस करे के टाइम नहीं खे। दिन भर स्कूल में काम करे के बाद हमरा लगे ही तोहनी लोगन संग पंचायत करे के टाइम नहीं खे। माई हमके भूख लागल बा। अरे ऐसा आटा से कैसे खाना बनी? ई तोहार प्रॉब्लम बा। जल्दी करा, हम फिर से वापस जाके बढ़िया से पिसा के लेके आवत नहीं। देवता रोवा रोहे दी, रात भर खाना बनत रही क्या? अरे महाराज, कौन इंजीनियरिंग कैले बनी, फर्जी डिग्री लेके आइल बनी यहाँ के। ये आटा से इंजीनियरिंग के का लेना देना भाई? अरे माई के तो बहुत बुखार बा, तुम आई के ख्याल रखा, हम डॉक्टर बुलाए के ले आता नहीं। बेटा जी माई, हमरा के भीड़ से मिला था, हम ओकरा के देख अपना तो ठीक हो जाए। ए अम्मा जी, बस रोवा चिंता मत करी, बबुआ जल्दी आ जाए। माई तू परेशान मत होका, हम काले बीर भैया से फोन पे तार बात करवा दे। हमरा के फोन पे बात नहीं खे करे के पा, हमरा के वीर के सामने से देखे के पा, एक महीना से भी ऊपर हो गए, अपने करेजा के चेहरा देख ले। वहाँ तो मौका था नहीं, एक महीना हो गए, बहू के पैसा अब तक आ गए हुई तनखा। अरे बाबूजी, तहरा माई की चिंता नहीं खे, तहरा वेतन की चिंता पड़ल बा। चिंता चिन करा, हम काले जाके मीर के ले आए। वीर का हो गए? कुछ ना। देखा हमार माए बाबूजी की बात का बुरा मत माना। मैं बुरा माने वाला का बात पा, अब तो ये हमार परिवार है, अब परिवार की बात की क्यों बुरा माने लगा। ठीक बा, हम जाता नहीं स्कूल। ठीक बा। चला ठीक है बाबूजी, बाय। हाँ, आराम से जिया बेटा। हाँ बाबूजी। हे भगवान, आज ही घर द्वार जंगल हो गई बा, अकेले हम का करी? खाए वाले लोग के संख्या ढेर हो गई बा, काम करे वाला लोग कम बा, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के।
घर के कुल काम पड़ल बा, अबे सब्जियों काटे बा, अकेले हम का करी, सब्जियों के जरन हो गई बा। आज पता चलल कि जब एगो लड़की ससुराल जाली तो ओकरा के कितना ताना बाना से गुजरे के पड़ेला। वीर बहादुर अब तोहरा के कुछ न कुछ तक करे के पड़ी। माँ जी हम आपके कुछ मदद कर दी का? तोहरा से कुछ ना होए, रहाय दे। अरे मौका दी हमके कुल काम आवेला। अरे हम कह देनी ना रहाय दी। अरे दीना हम अरे? हम कुल काम करेनी, देखिए हम कितना बढ़िया से सब्जी काटते। एक का करत बानी ऐसा क्यों सब्जी काटेला? एक पैसा का सहूर ना बा। छोड़ा अब हमार मुंह का देखत बानी, जा यहां से। बड़ा आयल बाड़े सब्जी काटे, हमार सब्जियों खराब कर देले सब। बाबूजी हम बना दी का? तू बने बो। हाँ हाँ लो। हाँ लाई बनाओ। बन जाई नहीं? अरे बन जाई। देखिए बाबू टूटे ना ना तो बड़ा नुकसान हो जाए। ए बाबू सुनने वाले कि तू इंजीनियरिंग के लिए बड़ा हो है? डिग्री फर्जी तो ना नु हो है? कद हलन नुकसान कोनो काम के लिखत उमर काम के लकाज के दुश्मन अनाज के लाए तरह जमात के कमाई है इंजीनियरिंग को ले बाड़। अरे मां लगत आज दिने खराब बा, जोन काम करे जा रहल बानी उहे बिगड़ जाला। लेकिन हमहु ठान ले बानी आज हम कुछ ना कुछ तो करके बताई। ऐसा करता नहीं आज हम पूरा द्वार साफ कर देता नहीं करने वा झाड़ू। बाबूजी बेटा देख ली ऐसा संस्कार वाले क्या के देले बानी खोलो काम के नहीं खो एकदम डमी। रुवलोक हमारे लड़के से काम करवाओ। अरे और क्या करवाई जा महाराज, कौन काम लाएगी बाड़े? अरे हमार बेटा इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग। ठीक बा इंजीनियर हो नानू। अरे आज रात काल बन जाइए। अरे तो बोन दिए तो ना करिए हैं कहो ऐसा ना हम अपने बेटा के लिए आवे नहीं। चल बेटा। अरे बाप एकर फैसला तो उन करी जो इनका के लिए अलविया विदा करा के। ऐसा नू ना हम करब। चल बेटा। बाबूजी रोवा लोग के मर्जी से हम ही घर में आई बनी, अब बिना ये लोग के मर्जी से हम कैसे जा सकेंगे? बेटा हम तेरे से लाली की तेरे माई की तबीयत खराब बा, इसे हम चाहत रहने की ई का होता हम अबे जाना रहा। हम जा रहल बानी घरे, अगर तोहरा हमरा साथे चले के बाद चल सकेलू। अच्छा एगो बात बतावा वीर, अगर हमरा साथे तोहरा घर में ऐसन कुछ होए तो तू का करता? हमरा घरे ऐसन केहू नहीं खे, हमरा घरे सब केहू रिश्ता के मोल भाव जाने लन। हमके तो आज तक ही न समझ में आयल कि तू सारा रीति रिवाज तोड़ के हमरा साथे ही नया ढंग से विवाह काहे कैलू। जानल चाहता रा हाँ तो सुना, हमार एगो सहेली रहे कंचन। तक हमार सास ससुर और पति मिलके सिर्फ हमके ताना मारत रहले, लेकिन अब हमके मारल भी स्टार्ट कर देने बारे। मक्का ही कैसन परंपरा बा, एगो लड़की ही विदा होके ससुराल कहे जाली,
लड़का कहे ना जाला गानी ना उलोबियन के घरे मत भेजा। यह घटना के बाद हम सोच लेंगे कि इस समाज के बनावल रीति रिवाज के हम बदल के रहा। अरे हम तो ये ब्याह करे से मना कर दे ले रहे, लेकिन तू हमारे कुल शर्त मान ले लेता। अच्छा मतलब तू ही देखल चाहत रहलू कि हम बढ़िया पति बढ़िया दामाद बन पाइब कि ना। तो सुना अब हम ही घर के दामाद ना बेटा बन के दिखाई। ससुरार ऐसन बड़ भाग से मिलेला परिवार सुनर ससुरार ऐसन। टाइब हाथ हो बन के गुबेट वारा हब हम साथ हो हर सुख दुख में बाटाइब हाथ नहीं टूटे कब देव संसार सुनर ससुरार ऐसन बड़ भाग से मिलेला परिवार सुनर ससुरार ऐसन। करब से बरोज हम गुड़वो दबाइब काही में हरिया ता खनवो बनाइब करब से बरोज हम गुड़वो दबाइब काही में हरिया ता खनवो बनाई बाटब सब में बराबर के प्यार सुनर ससुरार ऐसन बड़ भाग से आप लोग के खातिर गर्मा गर्म चाय अदरक मार के आहा हमार दामाद ना हमनी के एकदम कामचोर बना देले बा। जब देखा काम काम सारा काम खुद करे लेन हमनी के तो कुछ ना करे देवे लेन। अरे में का बात बा आप लोग के खुश देख के तो हमके खुशी मिलेला। वाह बेटा देखलू एकरा के कहे जाला संस्कार। आज ये कहे लगी बेटा में या दामाद में फर्क बा वो गलत बा। आज हमार दामाद ही साबित कर दस कि दामाद लड़का से बढ़ के बा। सही बात ममता देखो हमरा दामाद जी के कमाल के बानी। आज हम भी वीर से बहुत खुश बानी। यही से वीर खातिर दूगो गिफ्ट लेके आए बानी।
अच्छा इला, ये दोनों उंगली में से कोनो एक उंगली पकड़ा। जोना के तू पहले पकड़बा, वो गिफ्ट तोरा के पहले मिली। चल, हाँ पकड़ा। अरे जीजाजी पकड़ लेना। सपना में देख ले रहनी हां इला ई तोहरा खातिर ई बुलेट हमरा खातिर हां आ दूसर का गिफ्ट ओकरा खातिर अंदर जाए के पड़ी चला अरे अजा कमरा में का गिफ्ट बा गिफ्ट कमरा में नहीं खे एजाबा सच्ची हाँ रवा बाप बने वाला बानी संभाल की विरुधारा हम अभी खुशखबरी सासू माई और ससुर जी के देखे आवत नहीं अरे ना रुको शांत ये खुशखबरी सबसे पहले हम आपन ससुराल में देव मतलब ये कि वीर तू हमरा के जीत लेला जौना घटना से डर के हम ही रीति रिवाज बदल के ई नया विवाह कहनी उ डर आज हमार मन से निकल गई बा अब हम तोहरा साथे अपने आप के सुरक्षित महसूस करेनी यही से अब हम तोहरा साथे आपन घर आपन ससुराल जाए हाँ, सच में I love you, Mamta. I'm on your turn. Hello, Pooja. हाँ भैया. माई कहाँ बड़ी माई के फोन दा. माई माई. बीर भैया का फोन आईल बा. अच्छा. हेलो. माई प्रणाम. खुश रहा बेटा. माई ममता घरे आवी खातिर तैयार हो गेल बाड़ी. काले हम दोनों आ रहल बानी. अच्छा. ये तो बहुत खुशी के बात बा. आओ बेटा आओ हां ठीक बा अरे तो भैया भौजी आ रहल बाड़े चलो तेरे बाबूजी के बताई अरे सुल्तानी लगवा हां ए जी कहां बानी ए जंग बहादुर जल्दी आओ भैया जल्दी आओ हां कब हैल अरे वीर अपना दुल्हन के साथ कल घर आवता का वीर अपने दुल्हन के साथ घर आवत हवा अरे वाह ए बहू हे रुक 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 हैला हैला पैसा ला और जा बाजा सब कुछ आज तय करदा और कुछ कमी ना हो चाहिए कहां से की हमारे घर लक्ष्मी आवतिया अरे वाह 50,000 रुपया महीना पर 50 यानी 6 लाख रुपया साल का अरे वाह अरे कहीं हम पागल हो जाइए पूजा के भाई अरे वाह बाबूजी आप उन ख्याल रखिए आप उन ख्याल रखिए बेटा और हाँ कौन शिकायत के मौका ना आवे के चाहिए कहेस की तू हमार दुनिया के सबसे बेस्ट बेटी है खुश रहा बेटा ठीक से रहे अरे खुश रहा भाई अपन ख्याल रखियो तू अपन ख्याल रखियो जीजा जी पहुंच के फोन कर ठीक बा जाना तरु ममता
तोरा स्वागत में पूरा घर खुशी से नाचत गावत हुई है और हम बाप बने वाला बानी ई सुन के तो खुशी से पागल हो जाइए। देखिया तोरा स्वागत में ऐजा सब धमाल कर दिए हैं लोग, हम दोनों ऐजा बहुत खुशी खुशी रहा। आज हम बहुत खुश बात। रुको 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 काका भाई। हमका चाट चाहिए। अच्छा ठीक बा, हम लेके आवा तनी, तू अजय रुका। और सुना हा? जल्दी आई हा। हम लेके आ रहल बानी। भैया तू को पानी पूरी देता। देता नहीं कोनो बात नहीं खे, और वो पीछे देख के आई नहीं है ना, सब इतना बढ़िया सजाइले बा, अंदर बाहर एकदम एक नंबर के बाबू, एक नंबर का। और आज आज हमारे वीर से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, आज हमारे वीर आवत था। हाय देख वो देखा वो बाजा वाला आ गेल बा। सुना जैसे बहू और वीर रही है। हां बाबूजी, बैंड बाजा वाले से कह दिया शानदार धुन बजाई है एकदम झमाझम एकदम नगीना वाला। लेकिन लेकिन बाबूजी आज हम एक बात कह चाहता नहीं। बोला आज तरह ठुमका लगा दी ना, शुभ घड़ी बा। बाबूजी ये एम्बुलेंस का है आवता। अरे बुला कर रही गाँव में कहीं जा। छोड़िए के पिंजरा भरा
बगावत के चक्कर में होकर होकर जान चल गई। अरे जब तू नया विवाह के बोलू ना, सबसे ज्यादा हम नाटक कही थी, अपना मौत के नाटक कही के अपना लाल के मनोले। हे भगवान, अगर वो दिन हम नाटक ना कहले होती ना, तो हमर लाल हमरा आँखी के सामने खड़ा रहा। देवर जी के मौत के जिम्मेदार तो सबसे ज्यादा हम बने हम। हमारे ये घर में ब्याह के बात कही नहीं, सुथरे रानी देवरानी के रूप में वो छोट पाई नहीं। तू तो हमारा घर के लोग के नजरे में गिरा दे लो। एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा हमारा घर में अपन मनहूस चेहरा ना दिखाइए। निकल जाए यहाँ से, निकल। सब लोग चलिए अंदर। का सोचे सब का हो जाना, दिन कब गए सन नहीं हाथ भिटाए।
ममता भले हमार शरीर तुहार साथ छोड़ दे लेबा लेकिन आत्मा ना हरे तू तो सबसे अलग सोचेलू फिर तू सबके तरह ऐसे कैसे सोच लेलू कि हमार मरे की वजह तू बाड़ू हरे हमार मरे की वजह तू ना हमार किस्मत रहे ना वो हमार बेवकूफी रहे जेकर कीमत हमके जिंदगी भर चुकावे के पड़ी ई बोझ से हमार दिल डूबल जा रहल बा तू अगर मन के बोझ हल्का करल चाहता रू तो जिम्मेदारी के बोझ उठाला तू अपन आई परिवार के ख्याल रखा समय जिंदगी के हर जख्म भर देवेला समय समय शरीर के जख्म भर सकेला पर मन के ना और राहुल परिवार माई बाबूजी के हम का मुंह दिखाए उनकरा से कैसे नजर मिलाए हम बतावा अरे जौन लैकी पूरा समाज के आंख में आंख डाल के एगो लैका के दुल्हा बना के विदा करके अपना घरे ले जा सकेली आज वो अपना परिवार से नजर मिलाने में डर रहल बाड़ी ममता हम मर चुकल बानी तू अगर ऐसे कमजोर पड़ जेबू तो हमार आन सम्मान गुमान सब मिट जाए तू हमार कमी के पूरा कर एगो आदर्श बहू आदर्श बेटा बनके पूरा परिवार के सेवा कर मुश्किल तबा लेकिन हो जाए देख लिया एक दिन यह परिवार तुहर सारा गलती माफ करके खुशी खुशी तुहरा के अपना ली अरे तू तो हमार जुझारू जोरू बाड़ू रे तोहरा के दुनिया के कोनो कठिनाई ना हरा सकेला खेल देखौलस रे तो संसार उजड़ गई अरे बन बिना कोनो दोष ना इकुल दोष तोरे बेटी का है बेटी का लेकिन आज इन नौका जमाना का नौका जनाना रीत रिवाज और संस्कार के भुला के अपने मन से नौका बियाह कैलस और हमरे बेटा के खा ले ले एकरा पहले हम सब की रउआ के कुछ कहीं इनकरा के यहां से लेके जा हमने क्या कोनो रिश्ता नहीं खे
चल बेटा अपना घर ही चल चल। बाबूजी अब हम कहाँ जाए बाबूजी? रवा ही सिखावले रह लेना के गो लड़की के ब्याह के बाद ओकर मायके ओकर घर ना होला। अब हमार ससुराल ही हमार घर बा। इन लोगों की जो करे के जाए जौन करे के बा वो करला, लेकिन हम नहीं जाई रहो। हम राहुल बेस्ट बेटी बनी ना। अब हम बेस्ट बहू बन के दिखाए, हम इन सब के बेस्ट बहू बन के दिखाए। आशीर्वाद दियो बाबूजी। दिन बाद खुदा चल जाई, चला लगो यहां से। दुल्हन कब तक ऐसे भूखल प्यासल बैठल जाए? जा जा कुछ खाए खर्तिन बना ला। माई छोटकी भाभी किचन में पहले से ही खाना बनावा तारी का ओकर हिम्मत कैसे भई? हट तेरे हमहू देखा तानी ओकरा के तर हिम्मत कैसे भइल रे हमरा रसोई घर में घुसे के? अरे खाना बना के बहुत शौक बना तोहरा के, तो जहर मिला दे खनवा में। ए पूजा अनाज वाला कोठरी में से चूहा मारे वाला दवा लाके देख रहा के, यही में मिला दे हम खा ले ताकि एकर मनहूस चेहरा देखे से छुट्टी मिल जाए हमरा के। अम्मा जी जाए दे, कुछ दिन रही खुदे चल जाए। चल छोड़ मत, चल तू चल। हम एकर तो चेहरा भी ना देखे के चाह ली। ममता हम तरह के बचपन से जानत हनी, वीर बाबुआ के साथ भइल हादसा के ए घर के लोग इतना जल्दी नहीं भूल सकत, और उ सब लोग वहाँ के जान के दुश्मन तरह के समझता। आखिर तू कब तक यहाँ लोग के ताना बाना सहत रहबू? हमार बात मानो, तू अपना घरे चल जा, आखिर तार उम्र का बात, तू कहीं और जाके। दीदी भगवान न करे जेठ जी की कभी कुछ हो जाए तो का तू ही घर छोड़ दे पू? हमार वीर की प्यार हमार जिंदगी जिए खातिर बहुत बा। हमार वीर बाबुआ शादी के लेके कितना खुश रहे, वो उतना खुश होकर घर से जाए कूद कूद के। चल चला चलो हम तरह के दिखाओ तनी, आओ हमारे संग। ये देखो दीवार, हमार देवर जी अलग अलग रंग ले आके पूरा घर पेंट करनी। ये देखो गुलदस्ता, ये देखो विधाता जानत कि क्या घर नजर लग गई। का ममता तू फिर से गंगा जमुना बहावे लगलू, पूरा परिवार में तोहरा खातिर नफरत भरल बा, अही से तोहरा साथे ही लोग ऐसन व्यवहार कर रहल बाड़न। तो का हमार जीवनी ऐसन ही नफरत में कटी?
बिल्कुल ना। अगर ये लोग के भीतर तोहरा प्रति नफरत बा तो कहीं कोनो कोना में प्यार भी छिपल बा। बस उन नफरत के प्यार में बदले के पड़ी तोहरा। वीर हम का करें कैसे करें, हमके कुछ कुछ समझ में नहीं क्या। देखा जब तक ममता तू घर के बहू बन के रहू तोहरा खातिर मुश्किल होई। तोहरा के घर के बेटा वीर बने के पड़ी, तोहरा के घर के जिम्मेदारी के हिस्सा बने के पड़ी, ही लोग के एहसास दिलावे के पड़ी कि ही लोग के बेटा वापस आ गइल बा। वादा करा तू ऐसन करबू ना। भगवान हमार परीक्षा आवे वाला बा, कोनो तैयारी नहीं की कहले। हे भगवान पास करा दे। हम पढ़ाई तोरा के हमके नहीं पढ़े के तोरा से। पहला तो तोरा के बड़न से बात करे के सहूर सिखावे के पड़ी और बैठे की भी। An object is बाबूजी इली चाय। बाबूजी चाय पी ली ना तो मक्खी पड़ जाए। मक्खी पड़ जाए। दीदी हमके मालूम बा कि बड़े भैया के बड़े दुकान खोले खातिर पैसा की जरूरत बा। ये पैसा रख ले। इतना पैसा उ ममता देली है दुकान खोले खाती रवा लोन खुयत रहनी है तो इली यही से दुकान खोल ले। माई बाबूजी इली खाना खा ली। तो सोच भी कैसे ले लो कि हम तुम्हारे हाथ के बनल खाना खाए। इससे बढ़िया तो हम जहर खा ली। हे
चाय ली। हाँ, आज का बात बा? आज पेंशन का शुभ दिन बा और दिन चढ़ आयल बा। अब तगादार करो अईबा ना के ना आज तक। रघु आप तगादा वालन के इंतजार करल छोड़ दी। काहे? काहे से कि बाबूजी हमार देवरानी सब कर्जा चुका देले बाड़ी। यार सुखिया गांव के लोग जे भी कहे, लेकिन वीर बहादुर के मेहरारू ना पूरा घर के जिम्मेदारी अपना कंधा पर उठा लेला। घर के काम से लेके बाहर के सगरो काम करती है। ठीक कहा दड़ा यार, हम तो यो सुनले बाड़ी कि गोवर्धन चाचा के जितना भी कर्जा रहा सब चुकता कर देले बिया। अच्छा, वो चाचा के पूरा कर्जा उतार देलस? वाह यार। हाँ, वो एगो औरत होके ई सब करे खातिर बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। सही। और सुना, इस समय वीर बहादुर जहाँ पे भी हुई ना, ये सब देख के बहुत खुश हुई यार। हाँ यार। बाबूजी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे दुल्हन, खाना तो आज बहुत बढ़िया बनवले बाड़ू। माई, खाना बड़की भाभी ना छोटकी भाभी बनवले बाड़ी। हाँ अम्मा जी, सब काम खुदे कर तरी हमरा कुछ कर ही नहीं देत। अरे माई, खाई ना बाबूजी। अरे खाई ना, इतना बढ़िया खाना बनल बा, खाई। अम्मा जी, भाई रोहन को हाथ रोने के बहुत निमन खाए बनल बा, फिर खाई ना। खाई माई, खाई बाबूजी, खाई। डॉक्टर साहब, काबुल में हमारा देवरानी क्या? बधाई हो, आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। रोवा सच बोला तानी? हाँ हाँ, आप आपकी जो बहू है ममता, वो माँ बनने वाली है। आप उनकी देखभाल करिए और कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ उनको ला करके बीच बीच में चेकअप कराते रहिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। माई, हम बुआ बनने वाला बानी। भाभी, हम बुआ बनने वाला बानी। हमर वीर वापस आ गए। हाँ माई। ए, चला, अंदर चला। जाएं, जाएं। हम उम्र का पापा बन गए। Thank you.
का मुबारक हो, डिलीवरी सफल हुआ है, लड़का पैदा हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आप लोग भी मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमार वीर सचमुच वापस आ गए। ए जी, हाँ बोली। हम बड़की माई बन गई छी, ऊपर का पापा बन गई और हम बुआ बन गई नी। हाँ पूजा, हाँ चली पूजा, तुम लोग अंदर चला, हम माई के फोन करता नहीं। हेलो माई, माई रहुआ रहुआ दादी बन गई नी और हम बड़का पापा बन गई नी। बाबू आ गए, बाबू आ गए घर, अपना बाबू के खूब निमन निमन खिलौना किन के देव। पहले दादी के गोदी में जइबा कि दादा के? हां अरे माई तू दादी बन गेलू? इला बाबूजी रघु दादा बन गेनी। आ गए हमरे खानदान के चिराग, एक राख ना एकदम वीर जैसन बा, और एक नाम हमरे पतोहिया जैसन। दुल्हन तू हमरे जीवन के सबसे बड़ा उपहार देले बाड़ू, ए जी रुआ देखी अपने पोता के चेहरा देखी, बाबूजी एक बार देखी ना कितना खुशी के दिन बा आज। बाबूजी बाबूजी गुस्सा खत्म कर दी ना, देखे ना देखे ना आज पूरा परिवार एकदम खुश बा। बाबूजी अब रहु खुश हो जाए ना। बाबूजी बाबूजी मान जाए ना, देखी ना देखी एक राख एकदम वीर जैसन बा, एकर एकर मुस्कुराहट देखी एकदम वीर के जैसन बा, एकर चेहरा देखी ना एकदम वीर के जैसन बा। हमरा कैसे लागता जैसे हम अपना वीर के गोद में लेने पानी, देखी ना एक बार। लक्ष्मी वो मुस्कान वो चेहरा ऐसा लगा था कि हमारे वीर वापस आ गई ना। लक्ष्मी हमारे वीर वापस आ गई ना। हाँ बाबूजी। लक्ष्मी देखा ना ए बेटा यहाँ आओ। हाँ बाबूजी। हाँ पूरे गांव में बिठाई ही बांट जाए बेटा और जाके सबके बता दो। हाँ बाबूजी। हाँ क्या मार वीर वापस आ गई ना। हाँ बाबूजी बाबूजी बहू हमरा के माफ कर दे बहू, हम अपने बेटवा वीर के गम में भुला के तो उल्टा सीधा बोल दे ले रहे बहू, देखन बहू हमारे वीर वापस आ गई ना। अब हमके कोनो किला शिकवाने के बहू, हमारे वीर वापस आ गई ना बहू, देखा ना। हाँ लक्ष्मी। हाँ देखा देखा। हाँ ए बहू देखा। हाँ बाबूजी देखा हमारे वीर वापस आ गए बा, देखा ना लगवन देखा देखा हमारे वीर वापस आ गई ना। ममता हमरा पूरा विश्वास रहे कि तू एक दिन ई घर के आदर्श बहु आदर्श बेटा बन के दिखा देबू। हमरा तोहरा ऊपर गर्व बा ममता, अब हमार आत्मा के शांति मिली, हम खुशी खुशी अब एजा से जा पाई।
और हम तोहरे बिना कैसन जियब। हमनी के प्यार की निशानी तोहरा पास बा, हम तो तोहरा साथे बानी ममता। लागे हो देखा आज तेरा।